नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातिगत जनगणना में हो सकता है एक माह विलंब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लालू यादव को मिली बड़ी राहत। नगर निकाय चुनाव प्रचार में खर्च की लिमिट तय। जदयू पर जमकर बरसे आरसीपी सिंह। रैना ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जातिगत जनगणना में हो सकता है एक माह का विलंब। जातिगत जनगणना में हो सकता है एक माह का विलंब। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत सितंबर महीने में ही होने वाली थी, लेकिन अब इसमें विलंब हो सकता है। बिहार में जातिगत जनगणना अब सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में होगा। इसकी वजह निकाय चुनाव को बताया जा रहा है। दरअसल निकाय चुनाव सितंबर से अक्टूबर माह तक संभावित है। ऐसे में जातिगत जनगणना प्रभावित हो सकती है, जिसे देखते हुए जातिगत जनगणना एक महीने टाल दी गई है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार जातिगत जनगणना ऑनलाइन माध्यम से ऐप के द्वारा की जाएगी। इसी महीने के अंत तक ऐप तैयार कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि जातीय जनगणना आजाद भारत में एक बार भी नहीं हुई है। आखिरी बार साल 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। सीबीआई को भेजी गई सृजन घोटाला मामले के आरोपितों के जमीन की खरीद बिक्री संबंधी जानकारी। बिहार का बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई लगातार उन व्यक्तियों के संपत्ति पर नजर बनाई हुई है जो सृजन घोटाला मामले में आरोपी पाए गए और अभी जमानत पर चल रहे हैं। इस बीच करीब एक दर्जन आरोपितों के नाम की संपत्ति की खरीद बिक्री से संबंधित जवाब भागलपुर निबंधन कार्यालय सीबीआई को भेज दिया गया है। दरअसल निबंधन कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि आरोपितों के नाम से किसी संपत्ति की बिक्री नहीं हुई है। आपको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ने मोहम्मद अंसार कुरैसी की एक, कल्पना कर्ण की एक, अमित कुमार की 11, रजनी प्रिया की 7, रंजना सिन्हा की एक, रजनी प्रिया और मौलिक के एक, अमित कुमार व विपिन कुमार की एक, पूजा कुमारी की 4, अर्चना लाल की एक, सीमा कुमारी की एक और मनोरमा देवी की 6 संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस पर रोक लगी हुई है, इसमें मकान व जमीन शामिल है। इन 33 जिलों में बारिश के आसार। बिहार में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू है। इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह से ही राजधानी पटना सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में बारिश और वज्रपात की आशंका है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि पूरे सितंबर महीने बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि अक्टूबर के मध्य तक देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लालू यादव को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग उनकी अरबों रुपए की करीब एक दर्जन संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस कानून की जिन धाराओं को रद्द किया है, उनमें 5 सितंबर 1988 से लेकर 25 अक्टूबर 2016 के बीच खरीदी गई बेनामी संपत्तियों के मामले में कार्रवाई नहीं होगी। आपको बताते चले कि ईडी ने 2018-19 में पीएमएलए कानून के अंतर्गत लालू परिवार की पटना से दिल्ली तक एक दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी को जब्त किया था। आपको बताते चले कि बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो, लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है, उसे बेनामदार कहा जाता है। जदयू पर जमकर बरसे आरसीपी सिंह। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक हमले बोले हैं। आरसीपी सिंह ने सबसे पहले नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर तंज कसा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी पहचान खो दी है, अब उम्र का असर होने लगा है। उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने गए हैं जिन्होंने जेपी पर लाठी चलवाई थी। आरसीपी सिंह ने विपक्षी एकता पर भी कटाक्ष किया है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की है। वहीं 17 सालों से बिहार में चले आ रहे जनता दरबार को लेकर आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री 17 सालों से जनता दरबार के नाम पर जनता को धोखा दे रहे हैं। वहीं खुद को ललन सिंह द्वारा भाजपा का एजेंट बताया जाने पर उन्होंने कहा, पहले वह खुद को देखें, उन्हें मेरा बैकग्राउंड पता है, मुझे एजेंट बताते हैं, मैं किसी का एजेंट हूं क्या? मेरा जो फर्ज रहा है, मेरा जो दायित्व रहा है, मैं जिसके साथ रहा हूं उनके साथ पूरी ईमानदारी से रहा हूं। मोकामा उपचुनाव की प्रक्रिया हुई तेज।
मोकामा के बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह को जेल होने के बाद उनकी विधायकी भी चली गई है, जिसके बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली पड़ी हुई है। इसके बाद अब यहां उपचुनाव की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए पटना जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पटना जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा मंगलवार को यानी आज 178 मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2022 हेतु वीवीपैट गोदाम फुलवाड़ी शरीफ प्रखंड परिसर पट्टा में ईवीएम वीवीपैट के एफएलसी प्रथम स्तरीय जांच के दौरान मॉक पोल का निरीक्षण किया गया। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए 700 ईवीएम और वीवीपैट मंगाई गई है। पटना दौरे पर आ रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में बने देश के नए मुख्य न्यायाधीश का पटना दौरे पर देश के नए न्यायाधीश यू ललित बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सेमिनार में भाग लेने आ रहे हैं। इसकी जानकारी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने दी है। बीसीआई चेयरमैन ने बताया कि आगामी 24 सितंबर को बीसीआई और बिहार स्टेट बार काउंसिल की ओर से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बापू सभागार में किया जाएगा। सेमिनार का विषय समाज के निर्माण में वकीलों का योगदान है। इसके मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू ललित होंगे। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे पीके। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिला जिला घूम घूम कर अपना कुनबा बड़ा करने की कोशिश में हैं। इसी कड़ी में वो बीते दिन सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर के स्थानीय होटल में जिले के पंचायती व्यवस्था से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं के साथ प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सत्ता परिवर्तन करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद बिहार की व्यवस्था परिवर्तन है। इसलिए बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाकर समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विस्तृत रूप के तहत 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण के 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। यह पदयात्रा लगभग 1 से 1.5 साल तक चलेगी और इसके माध्यम से बिहार के हर गांव गली प्रखंड तक जाने का प्रयास करेंगे। नगर निकाय चुनाव प्रचार में खर्च की लिमिट तय। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है। अलग अलग पद के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग खर्च की राशि तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के अनुसार ही कोई भी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान खर्च कर सकेंगे। इस अधिनियम के तहत नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40,000 रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार 4,000 से 10,000 तक की आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60,000 रुपये और 10 से 20,000 की आबादी वाले वार्ड के लिए प्रत्याशी अधिकतम 80,000 रुपये खर्च कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव पहुंचे दिल्ली एम्स। महागठबंधन सरकार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। बीते कई दिनों से बीमार चल रहे मंत्री बिजेंद्र यादव का अब दिल्ली एम्स में उपचार होगा। बीते दिन उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली ले जाया गया। इससे पहले वे कई दिनों तक पटना स्थित IGIMS में भर्ती रहे। इसके बाद घर पर ही आराम कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार बिजेंद्र यादव अपनी बीमारी से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। इसके बाद स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने का सुझाव दिया। इसके बाद परिजन डॉक्टरों के सुझाव पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले गए। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव शाम 4 बजे बीते दिन दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने की घटवार को आदिवासी का दर्जा देने की मांग। कोजरवा के मरकच्चो स्थित बिरसा मैदान में घटवार या घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित वृहद कर्म महोत्सव पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार इस महोत्सव में शिरकत करते हुए मांदर की थाप पर खूब झूमे। इससे पूर्व सबसे पहले मंत्री व उपस्थित लोगों ने विधि विधान से कर्म गोसाई की पूजा की। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, पेड़ पौधे नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। यहाँ के लोग प्रकृति और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। कहा कि घटवार या घटवाल समाज के लोगों का रहन सहन और वेशभूषा सभी आदिवासी की तरह है, इसलिए इन्हें आदिवासी समाज में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। आपके आने से माहौल बना, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर विपक्षी नेताओं का रिएक्शन। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरे पर दूसरा दिन है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री HG देवगौड़ा के पुत्र कुमार स्वामी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को उनके भारत जोड़ो अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं कुमार स्वामी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप आए हैं तो एक माहौल बना है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए
दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं नीतीश कुमार आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी राजा और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। भाजपा ने पूछा, नीतीश जी अब बताएं कौन है चंदन और कौन है भुजंग। बिहार की राजनीति में अब चंदन और भुजंग की एंट्री हो गई। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर मुख्यमंत्री की चुटकी ली है। संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार बताएं कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद और बेल पर बाहर तेजस्वी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उन्होंने ही कभी कहा था कि चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटत राहत भुजंग। नीतीश कुमार बताएं कौन चंदन है और कौन भुजंग है। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश से सवाल पूछा था कि यदि इस चुनाव में आप लालू यादव के साथ जीतते हैं और अगर उनकी सीटों की संख्या ज़्यादा होती है तो आप लालू के साथ बिहार का विकास कैसे करेंगे। जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने रहीम के प्रसिद्ध दोहे को कोट करते हुए अपना जवाब दिया था। रैना ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। धोनी के बेहद करीबी दोस्त माने जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने अब जाकर अपने रिटायरमेंट का आधिकारिक ऐलान किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और मिस्टर आईपीएल के नाम से फेमस सुरेश रैना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने देश और राज्य यूपी का प्रतिनिधित्व करना एक परम सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करना चाहता हूँ। मैं बीसीसीआई, यूपीसीए, चेन्नई सुपर किंग्स, राजीव शुक्ला सर और मेरे सभी प्रशंसकों का, उनके समर्थन और मेरी क्षमताओं में अटूट विश्वास के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। देशभर में आए 5000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 4417 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 121 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 82 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 63,893 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 57 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उदयकांत, ऋषिदेव, अविनाश कुमार, विकी कुमार, बाबूलाल मरांडी, पवन सिंह, सुशील कुमार, कविता कुमारी, यादव विकास, मोहम्मद नूर, भान प्रकाश मौर्य और मुटुर रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कि भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर फोर मुकाबले में आज किसका पलड़ा भारी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।